इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस माही विज, जो अक्सर अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट रहती है, भले ही वो टीवी इंडस्ट्री से अभी दूर है, किसी सीरियल या किसी मूवी में काम नहीं कर रही, लेकिन वो अक्सर अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती है। ऐसे में वो हमेशा ही अपने परिवार, अपने बच्चों की तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर करती है। लेकिन हाल ही में अपने एक लेटेस्ट पोस्ट के जरिए माही विज ने अपने एक दर्द को बयां किया। दरअसल माही विज ने कहा कि जब वो IVF के जरिए जुड़वा बच्चों के लिए प्रेग्नेंट हुई थी, उस दौरान उनके एक बच्चे की जान चली गई थी। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पॉपुलर टीवी कपल जय भानुशाली और माही विज साल 2011 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। लंबे समय तक शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करने के बाद 21 अगस्त 2019 को उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने तारा रखा है। इससे पहले उन्होंने केयरटेकर के बच्चों खुशी और राजवीर के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली थी। प्यारे माता पिता अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने कठिन IVF जर्नी और अपनी जिंदगी के दर्द के बारे में खुलासा किया। हाल ही में माही विज ने खुलासा किया कि उन्होंने 34 साल की उम्र में अपने IVF जर्नी की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 3 IVF साइकिल ट्राई किए, लेकिन वो बुरी तरह से असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक्स ट्रांसफर के बैक टू बैक सेशन से ब्रेक लेने के बारे में सोचा। इसके बाद उन्होंने अपना डॉक्टर बदला और 36 साल की उम्र में जर्नी फिर से शुरू की। इसे समझते हुए माही ने कहा कि जब मेरे एक्स निकल गए तब मैं 34 साल की थी। मैंने IVF के 3 साइकिल पूरे किए जो सफल नहीं हुए। फिर मैंने घर पर बताया कि मुझे छुट्टी की जरूरत है। तब हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं था और डॉक्टर्स पर हम काफी निर्भर थे। डॉक्टर बहुत दयालु थे, उन्होंने मुझे कई प्रयास करने की अनुमति दे दी, लेकिन मैंने अपने डॉक्टर बदल दिए। जब 36 साल की हुई तब मैंने ये प्रोसेस फिर से शुरू किया। आगे उन्होंने कहा कि नए डॉक्टर ने मेरी मेडिकल हिस्ट्री देखी और ये जांचने के लिए एंडोस्कोपी कराई। और ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने मेरे साथ जल्दबाजी नहीं की जैसा कि ज्यादातर डॉक्टर करते हैं। सुनिश्चित करा कि आपके पास एट एमएम की मजबूत गर्भाशय परत होनी चाहिए। एक वीक लाइनिंग बच्चे को होल्ड करने में सक्षम नहीं होती। उसी साक्षात्कार से माही ने खुलासा किया कि तब कपल ने स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का पालन किया और केवल 20 दिनों के बाद उन्हें अपने बच्चे को कंसीव करने का एहसास हुआ। इस बार उन्होंने अपने दोस्त के अकाउंट के माध्यम से रिजल्ट की जाँच की और ये जानकर बेहद भावुक हो गई। और फिर उन्होंने पूरी तरह से आराम करना शुरू कर दिया। पहले जांच महीनों तक खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा। 5वें महीने में उन्होंने जय के साथ प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की। माही विज ने आगे कहा कि डॉक्टर के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के बाद मेरा साइकिल शुरू हुआ और ये तरु माही की बेटी तारा के साथ शुरू हुआ। 20 दिनों बाद मुझे चेकअप के लिए आना पड़ा और मुझे लगा कि इस बार ये होने वाला है। रिपोर्ट मिली मेल से आई कि जय के मेल से, लेकिन मेरे दोस्त को समझ नहीं आया कि उन्होंने जय को क्यों भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि जय ने मुझे बताया कि जुड़वा बच्चों के साथ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं रोने लगी। मैंने प्रार्थना की और अपने माता पिता और करीबी दोस्तों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। पहले तिमाही में मैं पूरी तरह से आराम कर रही थी। मैं केवल सोनोग्राफी के लिए जाती थी और नर्स इंजेक्शन देने के लिए घर आते थे। मैं बहुत शांत हो गई थी और सोशल मीडिया से दूर रहती थी। 5वें महीने में स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपके बच्चों की किस तरह से बॉडी बढ़ रही है आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं। तभी हमने अपनी गर्भावस्था की घोषणा भी की थी। आगे माही ने अपनी जिंदगी का दर्दनाक अनुभव खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों में से एक बच्चे को उन्होंने खो दिया था, जो कि ए था, जबकि तारा ए प्लस थी। हालांकि जब उन्होंने डॉक्टर्स ने उन्हें इस बारे में सूचित किया तो उन्हें लगातार प्रार्थना की कि कम से कम एक बच्चा तो जीवित रहे। उसी को याद करते हुए माही ने कहा कि IVF में कई बच्चे होने की संभावना होती है। हमारी तारू ए प्लस थी और दूसरा बच्चा ए था, जो जीवित नहीं रह सका। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा है कि इसे छोड़ दिया गया, क्योंकि ज्यादातर ये ए प्लस बेबी के साथ ही निकल जाता है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि उन दिनों का होना हमारी किस्मत नहीं था, लेकिन कम से कम एक तो हमारे साथ होना चाहिए था। तो यह है पूरी खबर माही विज को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। देखा आपने, यदि आज की खास रिपोर्ट माही विज के उस दर्दनाक सच को लेकर जिसका खुलासा हमने किया इस खास रिपोर्ट में। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले लीजिए इजाजत। शुक्रिया।